बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द स्टार। ये कहानी आज से 2200 साल 9 महीने पहले की कहानी है, जहां पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मेरी है। मेरी अपने खाने से पहले ईश्वर की प्रार्थना करती है और तभी वहां पर एक छोटा सा चूहा आता है जो उसका खाना चुराने की कोशिश करता है। मेरी बहुत ही दयालु होती है, उसे अपने खाने में से एक टुकड़ा दे देती है और तभी वहां पर एक तेज रोशनी आती है जो कि एक एंजल है। एंजल की आवाज मेरी को बताती है कि बहुत जल्दी तुम्हारे घर में एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जिसका नाम होगा मिसाया। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मेरी कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। और इसके बाद वो रोशनी खिड़की से जाकर सीधा आसमान में एक स्टार बनकर चमकने लगती है। ये स्टार आसमान में सबसे तेज चमक रहा होता है, जिसे देखकर सभी जानवर हैरान होते हैं। अब जो चूहा होता है जिसे मेरी ने रोटी का टुकड़ा दिया था, उसने सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए वे सब बातें जाकर सभी जानवरों को बता देता है। वहीं हमें एक डोंकी को दिखाया जाता है जिसका नाम बो होता है। वो एक मिल में एक दूसरे बड़े डोंकी के साथ काम करता है। दोनों के दोनों चक्की पीसते हैं और गेहूं को आटे में बदलते हैं। लेकिन वो ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, वो शान की जिंदगी जीना चाहता है, आजादी की जिंदगी जीना चाहता है। पर उसके साथ जो बड़ा डंकी होता है वो कहता है यही हमारी किस्मत है। पर जब वो चमकते हुए सितारे को देखता है तो कहता है कि ये सितारा शायद मेरी किस्मत बदलने के लिए आया है। अगली सुबह बो के पास उसका दोस्त कबूतर जिसका नाम डेव होता है वो आता है। वो बो को बताता है कि बहुत जल्दी यहाँ से एक शाही सवारी गुजरने वाली है। ये सुनकर बो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और अपने पिता से कहता है कि मैं भी शाही सवारी में एक दिन सवार होकर आपका नाम रोशन करूंगा, लेकिन उसे सबसे पहले अपने आप को यहाँ से आजाद करवाना होगा। वो किसी तरह से अपनी रस्सी काट देता है, पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता, इस मिल का जो मालिक होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो देखता है कि बो ने अपनी रस्सियां काट दी है, साथ ही उसने चारों तरफ अफरा तफरी मचा रखी है, इसीलिए वो गुस्से में आकर उसे चेन से बांध देता है। और अब बो की आंखों के सामने यहाँ से शाही सवारी भी गुजर जाती है। बो का दिल इससे टूट जाता है और इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं। वो आज भी अपने साथी डोंकी के साथ उसी मिल में काम कर रहा होता है, लेकिन उसका एक ही सपना होता है कि वो शाही सवारी में शामिल होकर एक दिन सबको अपनी पहचान, अपनी इम्पोर्टेंस का एहसास कराए। दिन रात उसकी आंखों में यही सपना होता है, इसीलिए उसके साथ जो बड़ा डोंकी होता है उसे उस पर दया आ जाती है और वो बो के साथ मिलकर उसे भगाने का एक प्लान बनाता है। वो जानबूझकर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करता है, साथ ही बो को भी जंजीरों से आजाद करवा देता है। और जब इस मिल का मालिक उसे देखने के लिए आता है तो बो उस जगह से भाग जाता है। हालांकि मिल का मालिक उसका पीछा भी करता है, लेकिन बो भागता हुआ एक लंबी जंप लगाता है जिससे उसके पीछे के पैर में चोट भी लग जाती है, लेकिन बो किसी तरह से उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। और अब वो एक घर के पास पहुंचता है। ये मेरी का घर है, उसी लड़की का जिन्हें एंजल्स ने कहा था कि तुम्हारे घर में बहुत जल्दी एक दिव्यमान बच्चा आएगा, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। और अब वो मेरी के घर में छुप जाता है। मेरी की अब शादी भी हो चुकी है और उनके जो हस्बैंड है उनका नाम जोसेफ होता है। वो जो मेरी के घर में छुप रहा होता है, मेरी उसे देख लेती है। वो देखती है कि वो के पैर पर चोट लगी है। मेरी का दिल बहुत ही दयावान होता है, वो उसके पैर पर कपड़ा बांध देती है। पर जब मेरी के हस्बैंड जोसेफ यहाँ पर आते हैं तो वो बो को भगाने की कोशिश करते हैं, पर मेरी उन्हें कहती है कि शायद इसे हमारी जरूरत है, हमें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। मेरी का ऐसा व्यवहार देखकर बो को बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी को पसंद करने लगता है। वही मेरी अपने हस्बैंड जोसेफ को बताती है कि कैसे एंजल उनके सामने आई थी और उन्हें एक भविष्यवाणी के बारे में बताया था जिसमें उनके घर में एक बहुत ही दिव्यमान बच्चा पैदा होगा जो इस पूरी दुनिया की रक्षा करेगा, वो सब कुछ बदल कर रख देगा। और जोसेफ भी इस बात को समझते हैं और वो आने वाली हर एक सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें वादा करते हैं। दरअसल अब मेरी प्रेग्नेंट भी होती है। वहीं हमें बो को दिखाया जाता है जो शाही सवारी में शामिल होने के लिए यहाँ से निकलना चाहता है, पर तभी उसका दोस्त कबूतर जिसका नाम डेव है वो आता और उसे बताता है कि बाहर तुम्हारा मालिक तुम्हें ढूंढ रहा है, अगर तुम गए तो तुम्हें पकड़ लेगा, जब तक तुम्हारा पैर ठीक नहीं हो जाता तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए। बो भी डेव की बात मान लेता है। वहीं हमें 3 वाइज मैन को दिखाया जाता है जो अपने कैमल में इसी राज्य में आते हैं जहां पर मेरी रहती है। ये तीनों की तीनों राजा के पास जाते हैं, इनके पास बहुत ही बेशकीमती गिफ्ट्स होते हैं। राजा को लगता है कि ये गिफ्ट्स उनके लिए लाए गए हैं, पर ये तीनों
तीनों वाइज मैन बताते हैं कि ये आपके लिए नहीं बल्कि उस दिव्यमान बच्चे के लिए हैं जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में राज करेगा। ये सुनकर राजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। राजा इन तीनों से कहता है कि तुम जा सकते हो, और इसके बाद वो अपने एक सिपाही को बुलाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, और उसके पास दो खतरनाक डॉग्स भी होते हैं। राजा उसे आदेश देता है कि जाओ और उस दिव्यमान बच्चे को ढूंढो और खत्म कर दो, ताकि कोई भी इस दुनिया पर मेरे अलावा राज ना कर पाए। अब वो सिपाही अपने दोनों खतरनाक डॉग्स को लेकर यहाँ से निकल जाता है, और उसके डॉग्स को वो रैट मिल जाता है जिसने सबसे पहले इस भविष्यवाणी को सुना था। डॉग्स उससे पूछते हैं और रैट डर से उन्हें सब कुछ बता देता है, साथ ही वो मेरी का पता भी बता देता है। वही मेरी और जोसेफ को दिखाया जाता है जो अब बैथलेम जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो इस शहर से बहुत दूर है। बो को भी वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन बो उनके साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर वो इस शहर से गया तो वो राजा से बहुत दूर हो जाएगा और शाही सवारी का हिस्सा नहीं बन पाएगा। शाही सवारी का हिस्सा बनकर वो सबको अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहता है। मेरी जब देखती है कि उसके साथ बो नहीं आना चाहता, तो वो अपने हस्बैंड जोसेफ से कहती है कि हमें यहाँ से पैदल ही निकलना होगा, और जोसेफ और मेरी बैथलेम के लिए पैदल निकल जाते हैं। बो को घर पर ही छोड़ देते हैं, और अब यहाँ पर वो सिपाही अपने खूंखार डॉग्स के साथ आ जाता है। उसके डॉग्स देखते हैं कि वहां पर बो है। वो बो से पूछते हैं कि मैरी कहां पर है, पर बो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। डॉग्स उसके पैर पे बंधे हुए दुपट्टे को देख लेते हैं जो कि मैरी का होता है, और बो उसे स्मेल करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चल जाता है कि मैरी किस तरफ गई है, और अब वो मैरी का पीछा करते हुए बैथलेम की तरफ निकल पड़ते हैं। बो अब मैरी को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, क्योंकि वो मैरी से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो भी बैथलेम की तरफ अपने दोस्त डेव के साथ निकल पड़ता है। डेव उसे एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, यहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टाने और पहाड़ियां होती है, पर वो मैरी की जान बचाने के लिए उस रास्ते से आगे बढ़ता है जहां पर उसे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक शीप से भी होती है। वो बो से कहती है कि मैंने सुना है कि बहुत जल्दी एक दिव्यमान बच्चा पैदा होने वाला है, मैं उस आसमान में चमकते हुए तेज सितारे का पीछा कर रही हूँ, इसीलिए मैंने अपने झुंड को छोड़ दिया है, इसीलिए मैं भी अब बैथलेम की तरफ जाना चाहती हूँ जहाँ पर मेरी और उनके हस्बैंड जोसेफ गए हैं, और अब ये सब के सब उस तरफ बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर वो शिकारी भी अपने खतरनाक डॉग्स के साथ पहुंच चुका होता है, पर इससे पहले कि ये मेरी तक पहुंचते वहां पर वो और उसके साथी पहुंच जाते हैं, इसीलिए वो उस सिपाही और उसके खतरनाक डॉग्स से मेरी को बचाने के लिए वहीं पास ही में हो रहे एक मेले में ले जाते हैं। पर अब यहाँ पर वो सिपाही यानी कि हंटर भी पहुंच चुका है, जो मेरी को देख लेता है, इसीलिए वो अपने डॉग्स को बांधकर अब मेरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस सिपाही को देख लेता है, इसीलिए वो जानबूझकर कार्ट के पहियों से पत्थर हटा देता है, जिससे कार्ट नीचे की तरफ लुढ़कना शुरू हो जाता है। कार्ट कई चीजों से टकराता है, जिससे टूट फूट होना शुरू हो जाती है, और लकड़ी का एक बहुत बड़ा स्टॉल उसी सिपाही से टकराता है, जिससे वो मेरी को मारने से पहले खुद कुएं में गिर जाता है। वो इसके बाद मेरी के कपड़े को खींचने लगता है। दरअसल वो उन्हें बताना चाहता है कि यहाँ पर खतरा है, सिपाही तुम्हें मारने के लिए आया था, लेकिन वो बोल नहीं सकता, इसीलिए मेरी उसकी बात नहीं समझ पाती, और अब ये सब के सब यहाँ से एक बार फिर से अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। वहीं राजमहल में हमें उन्हीं तीन वाइज मैन को दिखाया जाता है, जिन्हें राजा कहता है कि तुम अपने नए होने वाले राजा को ढूंढने के लिए जा सकते हो, जिसके लिए तुम इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आए हो। लेकिन इन तीन वाइज मैन के जो ऊंट होते हैं, इन्हें राजा के षड्यंत्र के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि इन्होंने पहले राजा की बातें सुन ली थी। इन्हें पता है कि राजा उस दिव्यमान बच्चे को मारना चाहता है, इसीलिए राजा चाहता है कि ये तीनों वाइज मैन उस बच्चे तक पहुंच जाए, ताकि इसके आदमी वाइज मैन का पीछा करें और उन्हें भी बच्चे की लोकेशन का पता चल जाए। और अब ये तीनों की तीनों मिलकर किसी भी कीमत पर मेरी और उसके होने वाले बच्चे को बचाना चाहते हैं। वही हमें मेरी, जोसेफ और बो और उसके साथियों को दिखाया जाता है। दरअसल मेले में जितना भी नुकसान हुआ होता है, जोसेफ को लग रहा होता है कि ये सब बो की वजह से हुआ है, इसीलिए वो बो को डांट रहा होता है। साथ ही मेरी से कहता है कि सारा का सारा नुकसान बो ने किया है, और अब मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बो को इस बात से बहुत बुरा लगता है, और वो अपने साथी डेव के साथ यहाँ से निकल जाता है। हालांकि शिप उसे कहती है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पर बो उसकी बात नहीं मानता। दरअसल बो अब शाही सवारी तक पहुंचना चाहता है, ताकि उसमें शामिल होकर वो अपना सपना पूरा कर सके, और जल्दी उसे शाही सवारी मिल भी जाती है। और जब वो उस तरफ भागता है, तो उसके पैर पर जो मेरी का कपड़ा होता है वो खुल जाता है, जिसके बाद बो को एहसास होता है कि मेरी एक रहम दिल इंसान है, उसने हमेशा उसकी मदद
जबकि उससे प्यार किया और उसे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए एक बार फिर से वो मेरी की तरफ निकल पड़ता है। वहीं जोसेफ और मेरी को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी बग्गी यानी कि कार टूट जाता है, जिससे जोसेफ को गुस्सा आता है और गुस्से में वो मेरी को डांट देता है। इस बात से मेरी को बहुत बुरा लगता है और अब जोसेफ के पास बो पहुंच जाता है। वो उसे धकेलना शुरू कर देता है ताकि वो मेरी के पास जाए और उसे माफी मांगे, और जोसेफ भी ऐसे करते हैं। और इसके बाद वो अपनी पीठ पर मेरी को बिठाकर आगे का सफर तय करता है और बहुत जल्दी ये सब के सब बेथलहम शहर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद जोसेफ रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे होते हैं और तभी बो के पास एक आदमी आता है, और ये वही आदमी है जो उसका पुराना मालिक है। वो बो को पकड़ लेता और एक दूसरी जगह ले जाता है जहां पर और भी जानवर होते हैं। यहाँ पर वो बो को बांध देता है और अब यहाँ पर जो घोड़ा और गोट होते हैं वो बो को बताते हैं कि हमारे मैंगर में, मैंगर उसे कहा जाता है जहाँ पर जानवरों का खाना रखा जाता है, पिछले 9 महीनों से आसमान में चमकने वाले उस तेज तारे की रोशनी इसी मैंगर के ऊपर पड़ रही होती है। और जब बो को ये पता चलता है तो समझ जाता है कि वो दिव्यमान बच्चा जो पैदा होने वाला है वो इसी मैंगर में इसी जगह पर होगा। वो हॉर्स और गोट से कहता है कि तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। वो दोनों इसकी मदद करते और यहां से बो निकल जाता है और तभी उसे शीप और उसका साथी डेव मिलते हैं। वो इन दोनों से कहता है जल्दी से तुम किसी भी तरह से मदद लेकर आओ, मैं मेरी के पास जा रहा हूं। अब मेरी और उसके बच्चे को मारने के लिए राजा का वो खतरनाक सिपाही, वो हंटर जिसके पास 2 डॉग्स भी हैं, वो भी इस शहर में पहुंच चुका होता है। साथ ही वो तीनों वाइज मैन भी अपने ऊंट के साथ यहां पहुंच चुके होते हैं। वो तीनों वाइज मैन अपने ऊंटों को बांधकर खुद उस बच्चे को ढूंढने के लिए शहर में निकल पड़ते हैं। दरअसल इन्हें पहले से होता है कि इस दुनिया में कोई दिव्य शक्ति पैदा होने वाली है और वो यहीं बेथलहम में पैदा होगी। अब वो किसी तरह से मैरी और जोसेफ तक पहुंच जाता है जो अभी भी बाहर होते हैं। दरअसल मेरी की तबीयत अब खराब होना शुरू हो गई है और वो इन दोनों को अपने साथ इशारे से चलने को कहता है। ये दोनों उसके पीछे जाने लगते हैं और अब सिपाही अपने डॉग्स के साथ इन्हें देख लेता है, वो भी इनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो मेरी को और जोसेफ को जानवरों के उस बेड़े तक ले आता है जहां पर खुद भी अभी कुछ देर पहले बंदा था। यहाँ पर सभी जानवरों ने पूरी तरह से जगह को साफ कर दिया होता है। वहीं अब शीप को दिखाया जाता है जो अपने झुंड तक पहुंच जाती है और वो उन सबको मदद करने के लिए कहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। पर जब वो जोर से चिल्लाती है तो आसमान में एक बार फिर से एंजल्स आते हैं जो सबको उस दिव्यमान बच्चे के बारे में बताते हैं जो अब कुछ ही देर में पैदा होने वाला है। वहीं डेव को दिखाया जाता है जो उन तीनों ऊंटों तक पहुंच जाता है जो वाइज मैन के हैं जिन्हें बांधा हुआ है, और वो उन्हें आजाद कर देता है। वहीं बेड़े के बाहर जब वो पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर राजा का सिपाही अपने खतरनाक डॉग्स के साथ पहुंच चुका है। वो उनका सामना करने की कोशिश करता है पर सिपाही के खतरनाक डॉग्स उसे पकड़ लेते हैं और अब सिपाही अंदर जाकर मेरी को मारना चाहता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, यहाँ पर शीप्स का झुंड आ चुका होता है। साथ ही डेव यहाँ पर तीनों ऊंटों को लेकर आ गया होता है और ये सब के सब उस सिपाही पर हमला कर देते हैं। ऊंट उसे और उसके डॉग्स को घसीटकर एक पहाड़ी से नीचे लटका देते हैं और अब वो डॉग्स और वो सिपाही तीनों के तीनों नीचे गिरने वाले होते हैं। और तभी सबको एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। सब समझ जाते हैं कि मेरी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिससे सभी को खुशी होती है। और अब सिपाही जिसके नीचे डॉग्स लटके हुए होते हैं वो अपना वजन कम करने के लिए उनकी चेन छोड़ देता है। वो उन्हें बचाने के लिए नीचे भागता है और अब सिपाही अपनी तलवार को चट्टान में गाड़ कर ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन इससे चट्टान फट जाती है और वो नीचे गिरकर मारा जाता है। वहीं बो को दिखाया जाता है जिसने दोनों डॉग्स को पकड़ लिया होता है और अब वो उन दोनों को ऊपर खींचकर उन दोनों की जान बचा लेता है। इसके बाद ये सब के सब उस जगह जाते हैं जहां पर उस दिव्यमान बच्चे का जन्म हुआ होता है। ये सब उस बच्चे को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर वो डॉग्स भी आ जाते हैं जो पूरी तरह से अब बदल चुके हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास है और ये जो बच्चे का जन्म हुआ होता है ये और कोई नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट होते हैं। अब यहाँ पर वो वाइज मैन भी आ जाते हैं जो जीसस क्राइस्ट के लिए गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं। वो गिफ्ट्स जीसस क्राइस्ट को दे देते हैं। यहाँ पर इनके जो 3 ऊंट होते हैं उनमें से जो फीमेल ऊंट होती है वो कहती है कि इस पल को दुनिया हमेशा याद रखेगी। अब वो यहाँ से जाना चाहता है, उसे लगता है कि जोसेफ उसे पसंद नहीं करते, पर
पर मेरी और जोसेफ उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लेते हैं, साथ ही उसके पुराने मालिक से उसे खरीद भी लेते हैं। और इस तरह से वो जो हमेशा से एक बड़ा काम करना चाहता था, उसने इस दुनिया का सबसे बड़ा काम किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो इस दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंस रखता है। दुनिया ने उसे गधा कहा, एक ऐसा जानवर जिसके अंदर दिमाग नहीं होता, जो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसने अपने आप को कभी गधा नहीं माना, उसे हमेशा अपने आप पर विश्वास था। उसने दुनिया की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसके इसी विश्वास से उसने अपने आप को पूरी दुनिया में सबसे अलग, सबसे इंपॉर्टेंट बना लिया। इसीलिए हमें भी अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म द स्टार की। ये फिल्म ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।